हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमे ना छो मरक्कम खम्भा गनी हुकुम केमटी अच्छंती की खबोर नमस्तो भ्यंग देवी और सज्जनों आज जो आप सभी के सामने उपस्थित हैं आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव आज किसको लेकर के बैठे हुए हैं इनके साथ इनके वीडियो में कौन है आखिर ये महिला लेकिन देवी और सज्जनों ये कोई और नहीं ये मेरी पत्नी श्रुति प्रिया है। अभी तक हमने आपको अपने पत्नी से नहीं मिलवाया। लगभग मेरी शादी को 1.5 साल हो गए हैं 1.5 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया होगा। हमारी शादी हुई थी जून में कितनी तारीख को 9 तारीख को हमारी शादी हुई थी। 6 तारीख को हम लोगों का हस्तग्रहण हुआ था मेरा और 9 तारीख को विवाह हुआ था 9 जून 2022 22 में 1.5 साल हाँ 1.5 साल से लगभग थोड़ा सा ऊपर ही हो गया है। हमने अभी तक आप लोगों को अपनी पत्नी से नहीं मिलवाया था। आज मिलवाने का एक विशेष उद्देश्य है कि ये अपना चैनल शुरू करने जा रही हैं जिसका शुरू क्या करने जा रही हैं उस चैनल को मैंने आज से लगभग 1-2 साल पहले ही शुरू कर दिया था जिसका नाम था डॉक्टर सुनील शास्त्री चैनल का नाम। इस पर मैं आप लोगों की कुंडली का विवरण वगैरह डालता था आपको देता था ज्योतिष से संबंधित कुछ जानकारी देता था आपको और इधर जो है सो कुछ आयुर्वेद से संबंधित भी जानकारी दे रहा था उस पर मैं लेकिन वो चैनल मैं अब अपनी पत्नी श्रुति प्रिया जी को समर्पित करने जा रहा हूँ और ये उस चैनल पर मैं आप सभी को ब्यूटी टिप्स देंगी। अभी शुरुआती दौर में धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप लोगों की चाहत होगी जैसा प्रश्न होगा जैसा वीडियो आप चाहेंगे वो आपको ये एक एक करके बताएंगी। ब्यूटी टिप्स फैशन टिप्स बहुत एक्सपर्ट है इन सब मामले में ये तो ये सब आपको बताएंगी। आज मैं आपको बताऊंगा मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ में है मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोगों के विवाह का बात चला किस प्रकार से रिश्ता आगे बढ़ा और कैसे हम लोगों का विवाह हुआ। सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को एक बार हेलो या नमस्कार जो करना चाहें आप कर सकती हैं। हेलो नमस्कार राधे 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 कृष्णा। चलिए हेलो नमस्कार हमारे भाषा में राधे राधे भी इन्होंने आपको लोगों को किया। ये बात जो है सो हम लोगों का शुरुआती हुआ था लगभग 2022 के जनवरी फरवरी में शायद शुरुआती हुई थी चर्चा। हाँ चर्चा तो जनवरी में हो चुकी थी जनवरी में चर्चा हुई थी और ये एक तीसरे व्यक्ति के माध्यम से हमारे यहाँ पर में हम लोग के यहाँ कहते हैं बिहार में बरतुहार हम लोग के यहाँ बिहार में बरतुहार घटक अथवा हिंदी भाषा में कहें तो लड़की वाले इनके पिताजी को किसी व्यक्ति ने बताया था कि एक लड़का है राजा मिश्रा नाम से लाट बसेपुरा गांव पड़ता है और अच्छा काम कर रहा है अच्छा कमा रहा है बढ़िया काम कर रहा है अभी दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक ज्योतिष का चैनल चला रहा है प्लस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है प्रोफेसर भी है कॉलेज में पढ़ाता भी है इस प्रकार की बातें शायद आपके पिताजी को बताई गई थी। हाँ, क्या बताया गया था किसने बताया था एक थे कोई घर के पास के ही जो बताए थे वैसे वो दूर के मेरे रिश्तेदार भी लगते हैं इनके दूर के रिश्तेदार मुझे जहाँ तक पता है कि ये उनके फुफा लगते हैं नहीं उनका नाम था गुणानंद जी गुणानंद झा झा है या मिस झा गुणानंद झा उनका नाम था है ही वो बस्ती के रहने वाले हैं मोहद्दी नगर के और उनको एक मेरे मतलब संपर्क में ही है जिनका नाम है बम बम झा वो भी बस्ती मोहद्दी नगर के रहने वाले हैं उन्होंने जो है सो बताया था और फिर इनके पिताजी का एक बार हमारे यहाँ पर में आगमन हुआ और आगमन हुआ तो उन्होंने चर्चा प्रारंभ की उन्होंने मुझसे भी बातचीत की यहाँ पर मेरा नाम पता वगैरह पूछा उन्होंने देखा कि ये लड़का बोलता है या नहीं कैसा है उन्होंने तो ऐसे मुझे यूट्यूब पर सुन ही रखा था लेकिन सामने से वो देखना चाहते थे कि लड़का बोलने में कैसा है कितना आईक्यू क्या है उसके बाद यहां से जब वो मुझसे बात करके घर पे गए तो क्या हुआ वो तो यही बताएंगी क्या कैसे हुआ घर पे जाने के बाद। फर्स्ट टाइम तो बात नहीं बनी थी बात दो चार बार आने के बाद बनी थी फर्स्ट टाइम बात नहीं बनी दो चार बार जो है सो वो आए थे इन्होंने तो शुरू में रिजेक्ट कर दिया था इनकी इच्छा ही नहीं थी कि यहाँ पर मेरे से विवाह हो इनका लेकिन फिर क्या कैसे हुआ यही बताएंगी विशेष
जनवरी से बात शुरू हुई थी और बात होते होते बात अप्रैल में जाके फाइनल हुआ था। अप्रैल में जा करके फाइनल हुआ था और इन्होंने शर्त रख दी कि मैं पहले लड़के से बात करूंगी, उसके बाद जा करके ही शादी विवाह की बात आगे बढ़ेगी। और मेरे तरफ से ऐसा कोई शर्त नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा शर्मीला किस्म का हूँ, लड़कियों से बात करने में थोड़ा सा शर्म महसूस करता हूँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। लेकिन इन्होंने जब ये शर्त रख दी तो मुझे तो ये समझ लो आप लोग कि बड़ा मतलब भयभीत हो गया था मैं उस वक्त अंदर से। लेकिन फिर भी अब शर्त तो शर्त है, अब यहाँ पर मैं सारी बातें फाइनल हो गई थी। अब हुआ कि अब ये देखो कि मैं हजारों लोगों से, हजारों करोड़ के जो मालिक है उन सबसे वीडियो कॉल पर मैं जो है ऐसे ही मीटिंग चलता रहता था पहले, अब तो कोई बात ही नहीं है, पहले भी चलता रहता था। कभी उतना डर महसूस नहीं हुआ जितना कि इनके साथ जो मेरा पहला मीटिंग हुआ, तो उस वक्त जो है सो बहुत डर महसूस हुआ और वो शायद मेरे चेहरे पर मैं दिख रहा था। हाँ, दिख तो ऐसे ही रहा था कि जैसे मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ और ये बस यूं ही लड़का की तरह, लड़कियों की तरह ये दिख रहे थे उस टाइम। काफी ज्यादा जो है सो मतलब क्या कहूँ उसको, नर्वस फील कर रहा था मैं बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि जो क्या कहूंगा, क्या पूछूंगा, क्या वो पूछेगी, क्या कहूंगा, मतलब कभी पहले इतना ज्यादा लड़कियों के साथ कभी मेरा रहा नहीं, तो बड़ा मतलब बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। पहली बार बातचीत हुई और फिर बातचीत हुई, इन्होंने मुझसे कुछ मैंने इनसे पूछा कि क्या करती हैं, क्या पढ़ाई किया है आपने, इन्होंने बताया सब कुछ जो ग्रेजुएशन है, डीएलएड वगैरह है। मैंने इनको पूछा है, क्या आप मेरे चैनल के बारे में जानती हैं, मिश्रा फॉर यू चैनल, ज्योतिष का चैनल है। इन्होंने क्या जवाब दिया जरा सुनिए इनसे। नहीं, उस टाइम मुझे इस चैनल पे या फिर इस सब ज्योतिष पे भरोसा नहीं था बिल्कुल भी। हम इस चीज़ को मानते ही नहीं थे कि ज्योतिष भी हो और सही हो सकता है, लेकिन जब कुछ दिन साथ रहे तो जाके पता चला हाँ ये भी सही हो सकता है और होता है सही। ये जिसको भी जो बताते हैं वो तो सही दिख रहा है अभी तक। अब देखिए कि इन्होंने तो मेरा चैनल देख रखा था भीतर ही भीतर, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने मेरा चैनल देखा है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कभी वीडियो वगैरह आपका देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कौन सा चैनल है, इस प्रकार से अनजान बन के मुझसे पूछ रही थी। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला इधर आकर के, शादी के लगभग 2-4 महीने के बाद, जो ये पहले से चैनल मेरा देख रही थी, जानती थी, इनके पिताजी ने जब इनको बताया तो ये देख रही थी, इनके घर में जब लोग मेरा चैनल जो है उसे देखते थे, इनकी माता जी सुनती थी, इनको बहुत गुस्सा आता था कि क्यों देख रहे हो। इनका शादी करने का एक मन नहीं था, दूसरा ये था कि इनके साथ शादी करने का मन नहीं है कि ये ज्योतिष है, लड़का पंडित है और ये क्या करेगा नहीं करेगा, मतलब बहुत ज्यादा क्या था आपके मन में, क्या चल रहा था? मेरे मन में यही था कि जो ज्योतिष हो पंडित हो ये तो बस अपने काम में ही लगा रहेगा, इसको घर में समय देने के लिए तो टाइम नहीं होता है इस टाइप के लड़कों के पास। लेकिन मेरा सोच गलत था, ऐसा कुछ नहीं था और इसलिए ये पहले बहुत परेशान थी। लेकिन फिर बाद में धीरे 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 इनको पता चला। उसके बाद एक बात और है कि इन्होंने बड़ी होशियारी की, पहले इनके पिताजी के नंबर से कॉल आया था, उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी आवाज ही नहीं आ रही थी। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने मोबाइल से मेरे पास में कॉल किया, और अपने मोबाइल से मेरे पास में कॉल किया तो इनका कॉल करने का ये था, जो कॉल अब मैंने कर दिया है अपने नंबर से वीडियो कॉल, और फिर अब आगे क्या होगा देखते हैं। फिर मैंने बहुत दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद या लगभग 1 सप्ताह के बाद शायद मैसेज किया था आपको उस नंबर पर में मैंने। मैंने ही मैसेज किया था, मैं 4-5 दिन में इंतजार करता रहा कि कहीं उधर से कोई मैसेज आए, इनको कुछ अगर मैसेज हाई हेलो वगैरह कुछ करे, लेकिन इन्होंने कोई मैसेज किया ही नहीं। तो मैंने लगभग 1 सप्ताह बाद इनको मैसेज किए, कुछ हाई हेलो कैसी है या कुछ नहीं, एक बच्चा का कोई स्टेटस कुछ लगा हुआ था उस पर मैं शायद मैंने कुछ मैसेज किया था, हाँ कुछ कमेंट्स था उसका, उस पर मैंने रिप्लाई दिया था इनको। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, और बातचीत शुरू हुई तो फिर मैसेज के बाद मैंने कॉल किया, कॉल किया तो कॉल पर मैं 1-2 मिनट बातचीत होने लगी, और यहाँ से मेरे पिताजी कह रहे थे कि बबुआ लड़की से बात नहीं करना है, बात नहीं करते हो ना, ऐसा पिताजी कहते थे, बातचीत नहीं करनी है बिल्कुल भी। लेकिन मैं तो बात कर रहा था, और पिताजी जब पूछते थे तो कहते थे नहीं बातचीत नहीं हो रही, बीच में मैंने बातचीत बंद
भी कर दिए थे, लेकिन मेरे मामा जी जो थे उन्होंने कहा कि बाबू बातचीत बंद मत करो, बातचीत जो करना है तुम लोगों को 2-3 महीना का समय मिला है और फिर ये समय लौट करके नहीं आएगा। फिर बहुत कम समय था, अप्रैल में फाइनल हुआ और जून में शादी हो गई, 1-2 महीने का टाइम ही था, फिर भी बातचीत वगैरह हुई और फिर धीरे धीरे हमने दोनों ने एक दूसरे को समझा और फिर ठीक ठाक चलता रहा। और ठीक ठाक अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, अब एक तो बालक भी हो गया है बेटा, जिसका नाम हमने रखा है विवस्वान, भगवान सूर्य के नाम पर में, और अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। तो ये छोटा सा कहानी था जो हम लोगों का, कुछ तो लव स्टोरी है नहीं या कुछ उस प्रकार का रोमांचक कहानी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मेरे दर्शक हैं इसलिए मेरे बारे में लगभग सब कुछ जानना आपका फर्ज बनता है, मेरा बताना दायित्व बनता है, इसलिए हमने आपको बताया। और आप सभी से आग्रह है कि ये जो शुरू करने जा रही हैं अपना ब्यूटी टिप्स का वीडियो जो डॉक्टर सुनील शास्त्री चैनल पर मैं डालने जा रही हैं, आप लोग भरपूर सपोर्ट करें, आप लोग भरपूर प्रेम दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे जीरो से हीरो बनाया है, इनको भी जो है सो धरती से चांद पर पहुँचाएं, इनको भी जो है वीडियो को वायरल करें, ट्रेंडिंग में आए, बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मदद करेंगे। क्यों, आपको क्या लगता है हमारे दर्शक मदद करेंगे आपको या नहीं? अब तो पता चलेगा करने के बाद ही, वैसे हमको अब तो करने के बाद ही पता चलेगा। आप देखिए ये वीडियो डालती हैं, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, मेरी इज्जत की रक्षा करना आप लोग। मैंने इनको कहा है कि आप डालना शुरू करो, अपने आप इतने लाखों लोग मुझे जानने वाले हैं, आपका वीडियो वायरल होगा। और अब बस सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं और पूरा उम्मीद करता हूं, जनता है आप, जनता जनार्दन होती है, पूरा उम्मीद करता हूं कि आप अर्श से इनको भी फर्श पर लाएंगे, आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा और वीडियो को निश्चित तौर पे वायरल करेंगे। ये भी प्रयास करेंगे कि सप्ताह में कम से कम 3 से 4 वीडियो जरूर दें, और इसे इनका प्रयास रहेगा कि डेली एक वीडियो देने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये कोशिश रहेगा कि आपको हम रेगुलर वीडियो दें। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा कहानी था, कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी आपको कैसा लगा हम लोगों का कहानी, हमारी जोड़ी कैसी लग रही है, अच्छा लग रहा है या नहीं, थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएं, हम दोनों में से ज़्यादा सुंदर कौन लग रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे 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 राधे।